स्पेन पर मुसलमानों से कबल ईसाई बादशाह राडर की हुकूमत कायम थी, जिसके बारे में इस्लामी और अंग्रेजी तारीखों में लिखा गया है कि वो एक अय्याश बादशाह था जो अपने महल में बच्चों और बच्चियों की तरबियत के बहाने उनके साथ जिंसी ज्यादती किया करता था। राडरक के मातहत मराकश के साहली इलाका पर जूलियन की हुकूमत कायम थी जो जबल तारक का करीब तरीन इलाका है। जूलियन की बेटी राडरक के महल में थी जिसके साथ उसने जिंसी ज्यादती की। जूलियन को इसका इलम हुआ तो उसने ज्यादती का बदला लेने के लिए मुसलमानों के कमांडर मूसा बिन नसीर से मदद की दरख्वास्त की कि वो स्पेन पर हमला करके वहाँ के मजलूम बाशिंदों की मदद करें। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वक्त वलीद बिन अब्दुल मलक की इजाज़त से तारक बिन ज़ियाद को 7,000 का लश्कर देकर स्पेन पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। तारक बिन ज़ियाद बरबर नस्ल से तल्लक रखने वाले मुसलमान और बनू अमैया के जर्नैल थे जिन्होंने 711 के दौरान हस्पानिया में ईसाई हुकूमत का खात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक्तदार का आगाज किया। वो हस्पानवी तारीख में टैरिक एल टियोटो के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अक्सरी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। तारक बिन ज़ियाद की तालीम व तरबियत मूसा बिन नसीर के ज़ेरे निगरानी हुई जो एक माहिर हरब और अजीम सिपासालार थे। तारक ने फने सिपागिरी में शोहरत हासिल की और इनकी बहादुरी और अस्करी चालों के चर्चे होने लगे। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को इंदलस के बहरी कुवत से खतरा लाहक था। शुरू में वो अमवी सूबा अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे जिन्होंने हस्पानिया में वैजोगत बादशाह के मजालब से तंग अवाम के मुतालबे पर तारक को हस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। मूसा बिन नसीर ने दुश्मन की ताकत और तफाही इस्तेहकामात का जायजा लेकर तारक बिन ज़ियाद की कमान में 7,000 फौज देकर उसे हस्पानिया की फतह के लिए रवाना किया। 30 अप्रैल 711 सने ईस्वी को तारक का इस्लामी लश्कर हस्पानिया के साहल पर उतरा और एक पहाड़ के नज़दीक अपने कदम जमा लिए जो बाद में जबलुल तारक कहलाया। वाज़े रहे कि जिब्राल्टर इस इलाके के अरबी नाम जबलुल तारक की बिगड़ी हुई शक्ल है। तारक ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की और इस मौके पर अपनी फौज को एक नहायत वलवलांगेज खुतबा दिया और कहा कि हमारे सामने दुश्मन और पीछे समंदर है। जंग से कबल उसने जहाज़ों को जला देने का हुक्म दे दिया ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बायस इस्लामी लश्कर बदिल होकर अगर पसपाई का ख्याल लाए तो वापसी का रास्ता ना हो। इसी सूरत में ज़रूर एक ही रास्ता बाकी रह जाता था, या तो दुश्मन को शिकस्त दे दी जाए या ये जान जहाँ आफरीक के सपुर्द कर दी जाए। ये एक ऐसी ज़बरदस्त जंगी चाल थी कि जिसने अपनी अहमियत की दाद आने वाले अजीम सिपा सलार से भी पाई। उन्होंने 7,000 के मुख्तसर लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की और बाद अजा 19 जुलाई को जंग वादी लका और वज़ेगोत हुक्मरान नजरीक के 1,00,000 के लश्कर का सामना किया और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम करते हुए उसे महज 8 दिन में बदतरीन शिकस्त दे दी। शहनशाह राडरक मारा गया या भाग निकला जिससे अंजाम का पता ना चल सका। इस एतबार से ये जंग फैसला कुन थी कि उसके बाद हस्पानवी फौज कभी मुतहद होकर ना लड़ सकी।
तारक बिन ज़ियाद की कामयाबी की खबर सुनकर मूसा बिन नसीर ने हकूमत अपने बेटे अब्दुल्ला के सुपुर्द की और खुद तारक बिन ज़ियाद से आ मिला और दोनों ने मिलकर कई इलाके फतह किए। फतह के बाद तारक ने बगैर किसी मज़ाहमत के दारुल हकूमत तलीतला पर कब्जा कर लिया। तारक को हस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन इसी दौरान खलीफा बिन अब्दुल मुल्क ने अपने कासद भेजकर दोनों को दमिश्क बुलवाया और यूं तारक बिन ज़ियाद की अक्सरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ, क्योंकि खलीफा अव्वल से हस्पानिया पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं ली गई थी। आपकी वफात इराक के शहर दमिश्क में 720 सन ईस्वी में हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।